चलिए, ये है देवरिया के सबसे बड़े यूट्यूबर जिनका नाम है आयुष, और ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये आयुष के भाई हैं। तो ये दोनों लोग आते हैं हमारे यहाँ सीखने। तो चलिए आइए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट देखेंगे हम यहाँ पे, पर्टिकुलरली प्रॉफिट को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। चलिए ये समझते हैं कि प्रॉफिट निकालना कैसे है। देखिए यहाँ पर परचेज प्राइस आपको दिख रही होगी, यानी परचेज करके लेनोवो का कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, और इस लेनोवो के प्रोडक्ट की जो प्राइस है, परचेज प्राइस जो हम खरीद के लाए, उसकी प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, इसे मैं येलो कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो देखिए ये जो है 5,000 रुपए। ठीक है, और मान लीजिए इसको करेंसी में बनाना है तो आप यहाँ से जाके बना सकते हैं, आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन चलिए हम यहाँ से जाके करते हैं, मोर फॉर्मेट्स पे जाना है आपको, और यहाँ से करेंसी फॉर्मेट पे जाइएगा और इंडियन करेंसी का फॉर्मेट आपको मिल जाता है, तो कोई एक चूज करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा बस, ये देखिए। ठीक है, और फिर यही सेम फॉर्मेट चाहिए तो हम बार बार इसको ये काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें चला देंगे, तो सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मेट अप्लाई होगा, चेंजेस इसमें नहीं आएंगे, फॉर्मेट ही सिर्फ अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ से ये हो गया, तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर, तो सबसे पहले इक्वल्स टू का निशान लगाइएगा, इक्वल्स टू लगा दिया क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल्स टू के निशान से ही शुरू होता है। और अब सेलेक्ट कर लीजिए सेल प्राइस, सेल प्राइस को इससे भी पहले एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब यहां से माइनस लगाइएगा, घटा देते हैं परचेस प्राइस से। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ना, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि परसेंटेज में क्या आएगा। तो इसको बंद करके और सेम सेल प्राइस से इसको डिवाइड करा दीजिएगा, इसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे कि आपका यहां पर होम टैब में फॉर्मेट जो होना चाहिए ना, वो परसेंटेज का होना चाहिए। ठीक है, आप एंटर कर दीजिए, आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, हो सकता है आपके सिस्टम में इस तरीके का ना आया हो। ठीक है, पॉइंट में आंसर आया हो, तो पॉइंट में आंसर आए और परसेंटेज में आए, तो ये दोनों कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट क्या रखा है इसका, करें ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसमें आपका जनरल होगा, तो जनरल होगा तो ये पॉइंट में आएगा, देख रहे हैं। और अगर इसे परसेंटेज आप बना देते हैं तो ये पॉइंट में नहीं आएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में हो जाएगा, यानी प्रॉफिट आपका परसेंटेज में शो करने लगेगा। आप इसको ड्रैग कर दीजिए, बाकी का काम तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस पे 37.3750% प्रॉफिट है, इस पे 33.33 है, और इसी तरीके से आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा महंगा बेच दिया गया है तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें वी लुकअप बता देता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले इक्वल्स टू लगाएंगे, देखिए वी लुकअप हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करेगा, तो यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला लगा देते हैं, टैब बटन प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए किसको लुकअप करना है, लेनोवो को। तो लेनोवो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आप कॉमा लगा दीजिए, और कॉमा लगा करके ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इस पूरे टेबल को फ्रीज करना है, फ्रीज करना मैंने बताया है, आप यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, और सबके पहले डॉलर लग जाएगा। डॉलर लगने का मतलब है ये बन गया एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। देखिए सेल किससे बनता है, रो और कॉलम से। तो A1 में कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, बताइए। हाँ, तो ये क्या है, रो है कि कॉलम है, हाँ कॉलम है, और ये क्या है, रो है। तो A फिक्स है, देखिए डॉलर A के पहले लगा है और 1 के पहले लगा है, तो यानी कि दोनों के पहले, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगता है, तो वो बनता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। और केवल रो या केवल कॉलम के पहले डॉलर लगा हो तो वो बनता है रिलेटिव सेल एड्रेस। तो फिलहाल ये बन गया है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, कॉमा लगाते हैं। यहां पर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर तलाशना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या देखना चाहते हैं, हम प्रॉफिट देखना चाहते हैं ना, कि लेनोवो के प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट आया हुआ है। लेनोवो के प्रोडक्ट पे देखिए कितना प्रॉफिट आया है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, ये आया ना। लेकिन मान लीजिए ये तो एक छोटी सी रेंज है, मान लीजिए आपके पास हजार हजार के अमाउंट में प्रोडक्ट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर एकदम से कैलकुलेट करने के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाइए, कॉलम नंबर आपको बस देना है यहाँ पे। तो देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, कॉलम नंबर यही है ना, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप करना है, और यहाँ पे 0 रखना है एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 रख के एंटर प्रेस कर दीजिएगा, यहां पर ये आ चुका है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने वहां पे क्या रखा है, फॉर्मेट परसेंटेज रखा हुआ है, तो आपको यहां पे भी परसेंटेज करना होगा, तब देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा चेंजेस, F2 करके फॉर्मूले को एडिट करता हूं,
मान लीजिए लेनोवो का नहीं देखना, एलजी का देखना है, तो एलजी का जो सेल एड्रेस है वो क्या है जरा देखिए, तो एलजी का सेल एड्रेस बताइए हमें, एलजी का बताइए, A6, ठीक है। अब बस आपको एंटर प्रेस करना है। तो एलजी का प्रॉफिट कितना है देखिए, यहां पे मैं एक हाईलाइट भी कर देता हूं एक अलग कलर से इसको, ये देखिए ये एलजी का प्रॉफिट है 60% दिया है कि नहीं, हमारा आंसर कितना आया 60% है। तो ये वी लुकअप है, हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करता है, इसके एडवांस फॉर्मूलाज के बारे में आगे बताऊंगा, तब तक आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ओके।